दोस्तों जब से मैंने अपनी इस स्प्लेंडर को इस नए कलर में पेंट किया तो मेरी बाइक और ज़्यादा अच्छी लगने लगी, लेकिन एक कमी रह गई थी जिसकी वजह से मज़ा नहीं आ रहा था, और वो है इसके दोनों टायर मैंने चेंज नहीं किए थे, ये पुराने ही हैं, बाकी पूरी बाइक नई जैसी लग रही है। तो इसी वजह से आज मैं अपनी इस बाइक के दोनों टायर चेंज करूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा कि मैं कौन सी कंपनी का टायर लगाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर टायर आ चुका है और अभी ये सील्ड पैक है दोस्तों, और इसको मैं फाड़ देता हूँ। तो दोस्तों ये दोनों टायर हैं और ये डॉल्फिन कंपनी के टायर हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉल्फिन कौन सी कंपनी है। डॉल्फिन कंपनी की पहले से ट्यूब आ रही है दोस्तों, और अब इन्होंने अपना टायर बनाना शुरू किया है, और ये दोनों टायर आप देख सकते हैं डॉल्फिन कंपनी के हैं। और जितना मुझे जानकारी है मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉल्फिन कंपनी के टायर चाहे आप MRF से कंपेयर करेंगे या फिर सीएट से कंपेयर करेंगे या फिर आप बिरला से कंपेयर करेंगे, तो चाहे इनकी हार्डनेस हो चाहे फिर वेट हो, इसमें आप कहीं कोई कमी नहीं पाएंगे। और आज मैं पहली बार डॉल्फिन कंपनी का टायर प्रयोग करने जा रहा हूँ। तो पहले मैं अपनी इस बाइक में इसको लगवा लेता हूँ, और अभी जैसे देखने की बात की जाए, अगर आप इसको हाथों में लेकर देखेंगे तो इसकी जो ये ग्रिप है ये काफ़ी अच्छी लग रही है दोस्तों, और जब आप भी ऐसे देखेंगे तो आपको भी अच्छी लगेंगी। लेकिन सबसे पहले मैं इसको लगवा लेता हूँ, और फिट करने के बाद मैं आपको इस बाइक को चलाकर दिखाऊंगा कि पहले अभी यहाँ पर हमारी इस बाइक का, राहुल जरा दिखाओ, यहाँ पर आप देखेंगे कि टायर एकदम ख़त्म हो चुका है, ये इधर से दिखा दो, यहाँ पर आप देखेंगे ये टायर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और ये सीएट का टायर है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये सीएट कंपनी का टायर है, और आगे भी इसमें बिरला का लगा हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर ये बिरला का टायर लगा हुआ है, और यहाँ पर ये देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको इस टायर को दिखाना चाहूँगा, डॉल्फिन, ये मेड इन इंडिया है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे मेड इन इंडिया 275/18। मेरी बाइक में स्पोक व्हील है इसलिए मैंने इसमें ट्यूब वाला मंगवाया है, और इसमें ट्यूब लगी हुई है, और ये 275/18 का टायर है दोस्तों। ये जब आप कैफे रेसर बनाते हैं अपनी बाइक को तो आप आगे इस प्रकार का टायर उपयोग करते हैं, नहीं तो आप देखेंगे कि ये दोनों पीछे के टायर हैं, और पहले मैं इसमें पीछे यहाँ पर लगाऊंगा, और ये 318 का टायर है दोस्तों। तो फिलहाल मैं अपनी बाइक में पीछे 318 का टायर लगाऊंगा, वैसे लगाना मुझे 275/18 का ही चाहिए, लेकिन मैं 318 का पीछे लगा लूँगा और 275/18 का मैं आगे लगा लूँगा, और लगाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये टायर कैसा लगता है देखने में भी, और चलाकर मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी बाइक अब कैसी चल रही है, ये बाइक पॉइंट की स्प्लेंडर दोस्तों। दोस्तों अब हमारी बाइक तैयार हो चुकी है टायर लगाने के बाद, और आप यहां पर देखेंगे डॉल्फिन का टायर हमने इसमें लगा दिया है पीछे, और आप आगे देखेंगे तो यहां पर भी नया टायर लग चुका है। अब मैं इसकी टेस्टिंग की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं NH27 हाईवे पर टेस्ट करूंगा, क्योंकि ये ऐसा हाईवे है कि इस पर कोई भी बाइक लाओ तो वो बबलिंग जरूर करती है, तो पहले मैं इस टायर को टेस्ट कर लूँ इस हाईवे पर कि भाई बबलिंग तो नहीं करती है। दोस्तों अब मैं इसकी ब्रेक को टेस्ट कर लेता हूं, क्योंकि नया टायर मैंने लगाया है, वो भी 318 का जो पैशन में लगता है टायर, वो मैंने टायर लगाया है, तो सबसे पहले उसको मैं टेस्ट कर लेता हूं।
और अब मैं इसकी टेस्टिंग करूंगा खराब सड़क पर। तो दोस्तों अब मैंने अपनी ही बाइक की टेस्ट राइड कर ली है, लेकिन मैंने कोई बहुत ज़्यादा लंबी टेस्ट राइड नहीं की क्योंकि भाई मुझे इस बाइक को तो रोज़ चलाना है और आप लोग जानते हैं कि भाई पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है। इसलिए आगे जब मैं इस बाइक को चलाऊंगा और भविष्य में कोई भी बात होती है इन टायरों में तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अभी इस बाइक में टायर लगाने के बाद मुझे क्या पता चला और चलाने के बाद मुझे क्या महसूस हुआ, ये मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देता हूँ। सबसे पहले मैंने टायर लगाने के बाद NH27 हाईवे पर इसको चलाकर देखा, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है बहुत सारी बाइकें चाहे वो नई हो चाहे पुरानी में आप टायर लगवा कर ले आएँ तो इस हाईवे पर बाइक पीछे से बहुत ज़्यादा बबलिंग करती है, कभी कभी तो बाइक चलाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने वहाँ पर टेस्ट किया और इसमें मुझे कोई भी बबलिंग नहीं लगी दोस्तों। उसके बाद मैंने इसकी ब्रेक टेस्ट करी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि मेरी बाइक पहले से ज़्यादा बेटर इसलिए चलने लगी है क्योंकि मेरी बाइक में पहले 2.75/18 का टायर लगा था और अब 3.18 का टायर लग चुका है, मतलब थोड़ा सा चौड़ा हो चुका है। तो मुझे मेरी बाइक में ब्रेकिंग भी अच्छी लगी है, ऐसा लग रहा है जैसे बाइक थोड़ी सी ऊँची हो गई है, और स्टेबिलिटी इसकी जो चाहे रोड हो चाहे खराब रोड हो चाहे हाईवे पर हो मुझे अच्छी लगी दोस्तों। अब इतना लगाने के बाद मुझे महसूस हुआ चलने में बाइक बिल्कुल सही चले। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने पीछे वाला टायर आगे लगाया है तो मुझे ऐसा लग रहा है चलाने में कि मेरा हैंडल हल्का सा जाम चल रहा है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि ये पीछे वाला टायर है मैंने आगे लगाया हुआ है। और जब आप जैसे कैफे रेसर बाइक बनाते हैं तभी ऐसा टायर लगाते हैं क्योंकि इसकी जो आगे की टायर की लाइनिंग आती है वो अलग आती है। तो अगर देखा जाए तो मुझे डॉल्फिन कंपनी का टायर काफ़ी अच्छा लगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस टायर की कीमत आप MRF, सिएट और बिरला इन कंपनियों से देखेंगे तो लगभग 150 रुपये कम ही मिलेगी। ये जो टायर आप देख रहे हैं मात्र 1300 रुपये का टायर है दोस्तों, एक टायर आपको 1300 रुपये में मिलेगा और लगभग मैं प्राइस बता रहा हूँ, आप अपने नज़दीकी डीलर पर जरूर संपर्क कर लें दोस्तों। तो मुझे 1300 रुपये में ये टायर बहुत ही अच्छा लगा और जैसे कि MRF हुआ, सिएट हुई या फिर और जो भी कंपनियाँ हुई उनके बराबर उनके समकक्ष ये टायर है, आप इस टायर को चुन सकते हैं। और बाकी अगर आगे चलकर 2000-4000-10000 किलोमीटर चलाने के बाद जो भी मुझे लगेगा इस टायर में तो वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, फिलहाल अभी मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे इस चैनल को बाइक वन बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं क्योंकि हम बाइक और स्कूटर संबंधित जानकारी लेकर आते रहते हैं दोस्तों। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।